हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक्सोटिक वेजीज विद शेजवान सॉस। एक्सोटिक वेजीज में मैंने लिया है मशरूम, ब्रोकली, ऑरेंज कैरेट, फ्रेंच बीन्स। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है कैप्सिकम, अनियन, जिंजर, गार्लिक, ऑयल, कॉर्नफ्लावर, सॉसेस और थोड़ा पानी। सबसे पहले हम एक पैन में पानी ले लेंगे, उसको उबाल लेंगे। उसमें हम अपने वेजीज 1 से 2 मिनट के लिए उबाल लेंगे। हम वेजीज को 1 से 2 मिनट इसलिए उबालते हैं ताकि उनका कच्चापन निकल जाए। एक्सोटिक वेजीज में आप और सब्जियां भी ले सकते हैं, जैसे कि बेबी कॉर्न और जुकीनी। सब्जियों में हमने गाजर को चौड़ा चौड़ा 1-1 इंच की गैप में काटा, बीन्स को भी 1-1 इंच की गैप में काटा, बटन मशरूम जो लिए हमने उसके 4 पीसेस किए, और जो हमारी ब्रोकली थी उसके छोटे छोटे फूल निकाल लिए। सब्जियां हमारी अब 2 मिनट उबल चुकी हैं, हम इन्हें छान के एक साइड पे रख लेंगे। शेजवान ग्रेवी बनाने के लिए अब हम कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 3 चम्मच तेल डाल के उसे गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन और मिर्ची डाल देंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक कि इसका कच्चापन निकल जाए। जब इसमें अदरक लहसुन अच्छे से पक जाए, हम इसमें डाइस किया हुआ प्याज और डाइस की हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। आप इस जगह पे लाल और पीली शिमला मिर्च भी यूज कर सकते हैं। हम तेज आंच पे प्याज और शिमला मिर्च को पकाएंगे 30 सेकेंड से 1 मिनट तक के लिए। हमें इन्हें पूरा नहीं पकाना, सिर्फ क्रंची करना है। एक मिनट के बाद हमारी उबली हुई सब्जियां भी हम इसमें डाल के 1 से 2 मिनट तेज आंच पे पका लेंगे। हमने इन सब्जियों का कच्चापन उबाल के पहले ही निकाल लिया था, हमें इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ क्रंची करना है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें सबसे पहले डालेंगे शेजवान सॉस। मुझे तीखा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने 2.5 चम्मच शेजवान सॉस लिया है। अगर आपको तीखा ज्यादा ना अच्छा लगे तो आप 1 से 1.5 चम्मच शेजवान सॉस ही यूज करें। शेजवान सॉस के अलावा मैंने 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच टमाटो केचप भी डाला है। हमें एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, सॉसेस डालने से पहले हम सब्जियों को लो हीट पे कर देंगे। सॉसेस डालने के बाद हम उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने सब्जियों को सॉसेस के साथ भी 1 मिनट तक पकाना है। हमारी शेजवान सॉस थोड़ी सी तीखी होती है, मीठापन लाने के लिए हम इसमें चीनी भी ऐड करते हैं। मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून चीनी का पाउडर। मैंने चीनी की जगह चीनी का पाउडर इसलिए यूज किया, एक तो वो जल्दी घुल जाएगा, साथ में हमारी शेजवान सॉस बहुत तीखी होती है, उसका तीखापन भी थोड़ा कट जाएगा। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम सब्जी में 1 ग्लास पानी डाल देंगे और इसे उबलने तक पकाएंगे। एक उबाला आते ही हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 घूंट पानी को घोल के हिलाते हुए डाल देंगे। इससे हमारी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हम इसे 1 मिनट और पका लेंगे। अब हमारी एक्सोटिक वेजेस विद शेजवान सॉस तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के बाद आप इसे ग्रीन अनियन से भी गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।